दोस्तों ये है डेल इंस्पिरॉन 14 2-in-1। और एक बात बताऊं, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में आपको इस्तेमाल करना है, हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, सबके लिए दिस इज रियली अ वैल्यू फॉर मनी 2-in-1 लैपटॉप। मतलब लैपटॉप जैसे भी आप इस्तेमाल कर पाओगे एंड टैबलेट के जैसे भी। एंड आई टेल यू व्हाट, प्राइसिंग जो इसकी आई हुई है, आई वॉज रियली सरप्राइज। सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने भी वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है। एक बात अच्छी है, छोटा एडाप्टर है, 65 वॉट चार्जर आता है ये। यस, एंड पीडी चार्जर को ये जो 2-in-1 है वो सपोर्ट करता है, पावर केबल है। एंड ऑलराइट, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन हियर। ऑलराइट, ये स्टाइलस लग रहा है क्योंकि टिप निकालने के लिए टूल भी दिया हुआ है। किधर है स्टाइलस? एंड डॉक्यूमेंटेशन, स्टाइलस शायद अंदर ही है। ऑलराइट, हियर बॉक्स के अंदर स्टाइलस आता है क्योंकि ये सिर्फ 2-in-1 ही नहीं, टच डिस्प्ले के साथ आता है। सो दैट इज ऑल्सो एक्सीलेंट एंड गुड क्वालिटी स्टाइलस दैट इज देयर। और ये एक्स्ट्रा टिप भी आती है, ये देखिए। एंड दिस इज द 2-in-1 डेल इंस्पिरॉन 14। नाइस, ज्यादा हैवी नहीं है, पोर्टेबल है, फील्स गुड इन हैंड। वैसे वजन दोस्तों में अगर मैं बात करूं, शुड नॉट बी मोर देन 1.4 होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, 1.58 स्लाइटली ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा हैवी नहीं है, इतना ज्यादा लाइट नहीं है, इट इज राइट इन द मिडल। ऑलराइट, ये जो है हार्ड प्लास्टिक है, नीचे की तरफ आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर इनफ्लो। एंड ये जो है पीछे की तरफ जो वेंट्स है, एयर वेंट्स, वो आउटफ्लो के लिए है। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, दो USB टाइप सी मिलती है। जी हाँ, थंडरबोल्ट है जहाँ से आप चार्ज भी कर पाओगे, 65 वॉट को सपोर्ट करता है, फुल HDMI पोर्ट है, सो दैट इज गुड। पीछे की तरफ कुछ नहीं है एंड राइट हैंड साइड में SD कार्ड रीडर है, दैट इज गुड। USB टाइप ए है एंड दिस इज फॉर 3.5mm जैक। थोड़ा पीछे की तरफ है, जनरली आगे होता है इधर, दिस टाइम यू हैव एट द बैक। ऑलराइट, ये एक्सेल अब खोल के देखते हैं, लेट्स ओपन दिस। ओके, स्लाइट रेज होता है दोस्तों, ये जो हिंज है, अगर स्लाइट साइड से देखोगे जब मैं ओपन करता हूं, ये देखिए थोड़ा रेज हो जाता है एंड देन इट गोज ऑल द वे एंड ऑल द वे, 180 डिग्रीज नहीं, 360 डिग्रीज तक जाता है। लुक एट दिस, यू कैन यूज इट एज अ टैबलेट। ओ ब्यूटीफुल, लुक एट दैट। एंड टच स्क्रीन है, रियली नाइस। डिस्प्ले अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हिंज जो है वो भी अच्छी है दोस्तों, इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर आप ऐसे भी रखोगे इट विल स्टे लाइक दैट 180 डिग्रीज, या फिर टेंट मोड में आपको अगर मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है वो भी आप कर पाओगे। लुक एट दैट दोस्तों, अगर कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो गुड कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड है, दैट इज नाइस। एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है आगे की तरफ, जनरली साइड में नीचे की तरफ होते हैं, ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, तो मल्टीमीडिया में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। इवन टचपैड की साइज जो है बड़ी है, ये जो है ये इंटेल कोर i7 स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा, बट पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 14 इंच का है दोस्तों, 250 निट्स ब्राइटनेस है, IPS LCD डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, सो ऑल दैट इज देयर। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स पतले हैं, ऊपर आपको फुल HD कैम मिलता है विद दोस टू नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। सॉफ्टवेयर से बेसिकली आप बैकग्राउंड नॉइस, आपका ही नहीं, अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो जो अगला वाला है उसका भी बैकग्राउंड नॉइस आप कम कर सकते हो, सो कॉलिंग के लिए इट इज एक्सीलेंट। वैसे दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो प्राइवेसी फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन आता है, विच इज रियली गुड आजकल की दुनिया में, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी, योर प्राइवेसी। और हाँ, ये जो डिस्प्ले 16:10 एस्पेक्ट रेशियो का है, सो इट फील्स लाइक अ मॉडर्न डिस्प्ले, मॉडर्न लैपटॉप। और लेट्स कम टू स्पेक्स एंड प्राइसिंग, इधर आपको पता चलेगा क्यों मैं यू नो आई एम सेइंग दैट दिस इज रियली वैल्यू फॉर मनी। ये जो लैपटॉप्स है ना, ये स्टार्ट होते हैं 55,000 से एंड अराउंड 88,000-90,000 तक सबसे ऊपर वाला वेरियंट आता है। जो बेस वेरियंट है इंटेल कोर i3 पे आता है, 13 जनरेशन, देन i5 है ऊपर का सबसे ऊपर वाला वेरियंट, i7 आता है, ऑल 13 जनरेशन। बेस वेरियंट जो है 256 GB स्टोरेज आता है, सबसे ऊपर वाला वेरियंट है उसमें आपको 512 GB SSD स्टोरेज मिलता है। सो या दोज आर द कॉन्फिगरेशन एंड फॉर 55,000 आई थिंक इवन बेस वेरिएंट जो आपको रेगुलर यूसेज के लिए चाहिए, एक्सीलेंट। 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, रैम टाइप जो है दोस्तों LPDDR5 रैम टाइप आती है, एंड जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है दोस्तों, दैट इज 16 GB रैम। सो अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं दोस्तों मल्टीमीडिया इसके ऊपर प्ले कर रहा था, आई विल टेल यू व्हाट, दीज स्पीकर्स आर रियली गुड, मल्टीमीडिया में मजा आएगा। हाँ, 250 निट्स ब्राइटनेस है, अगर 300 निट्स डिस्प्ले का ब्राइटनेस होता थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता, लेकिन ऑडियो डेफिनेटली टॉप नॉच है इसका। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो ट्यून्ड है, सो बेसिकली ऑडियो जो ट्यूनिंग की है बहुत अच्छी है, इसलिए क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है। सो मल्टीमीडिया
वेरी वेरी गुड। वैसे दोस्तों माय डेल नाम का एक डैशबोर्ड आता है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा, विंडोज बताऊंगा, बट ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज है, चार चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे, कलर एंड डिस्प्ले। जी हाँ, अलग अलग आपको जैसे भी चाहिए, ये देखिए मूवी मोड चाहिए, स्पोर्ट्स मोड चाहिए, एनिमेशन मोड चाहिए, जो भी आप देख रहे हो उस हिसाब से आप बेसिकली ट्यून कर पाओगे। ये जो कंफर्ट व्यू है दोस्तों, इसेंशियली लो लाइट में आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो ब्लू लाइट फिल्टर आपको मिलता है। इनफैक्ट ये जो कंफर्ट व्यू है ये टीवी राइनलैंड का कंफर्ट व्यू सर्टिफिकेशन है, सो आपकी आंखों को परेशानी नहीं होती है। स्पोर्ट्स देख रहे हो तो यू कैन स्विच टू दैट मोड, तो वो सब कर पाओगे। साथ में बैटरी आपकी कितनी पावर में जाओगे, तो बैटरी अभी कितनी है और कितनी डिप्लीट हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है, वो सब आप कर पाओगे। ऐसे बैटरी के बारे में मैंने बात नहीं की, 56 वाट आवर की बैटरी आती है एंड 0 to 80% इन 60 मिनट्स, एक घंटे में 80% चार्ज हो जाती है। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है, ऑडियो का भी आप कर पाओगे, कस्टमाइजेशन बहुत सारी चीजें हैं इधर। सो इसेंशियली यू गेट अ डैशबोर्ड जहां पे ऑडियो, पावर, डिस्प्ले, ये सब चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे। वैसे अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं दोस्तों, 10 टू 12 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलता है, तो अगर आप YouTube, Netflix वगैरह देख रहे हो, एक बार 100% चार्ज कर दिया 10-12 घंटे आराम से देख पाओगे। एंड ये जो यू नो टेंट मोड होता है ना, उसमें कंटेंट कंज्यूम करने का मजा ही कुछ अलग है। लुक एट दिस, जस्ट कीप इट एंड वॉच, और किसी भी एंगल पे आप ऊपर से थोड़ा देख रहे हो तो थोड़ा ज्यादा रखिए, राइट अप फ्रंट। और जैसे मैंने कहा ये जो स्पीकर्स हैं फ्रंट फायरिंग है, सो नाइस, 2-in-1 का ये फायदा जरूर होता है। वैसे सिक्योरिटी के लिए दोस्तों फिंगरप्रिंट रीडर आता है, सो यू कैन ओपन इट, सिक्योरिटी अच्छी है, सो दैट इज देयर। मैंने जैसे पहले बताया बैकलिट कीबोर्ड भी आता है, सो यू नो लुक वाइज जो फीचर्स वगैरह ये ऑफर करता है फॉर द प्राइस डेफिनेटली गुड। मैंने अलग अलग वेरियंट्स भी आपको बता दिए। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो वाईफाई 6 ही आता है एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। वैसे डेल ने थोरो टेस्टिंग भी की है, ओपन क्लोज 20,000 टाइम्स तक होंगे, आराम से 4-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। की स्ट्रोक्स में भी कुछ 10 मिलियन की स्ट्रोक्स तक उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, सो याद है ड्यूरेबिलिटी वाइज गुड। वैसे दोस्तों ये 2-in-1 लैपटॉप है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, इनके लिए गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप i7 16GB वेरिएंट लेते हो देन यू कैन डू लाइट गेमिंग ऑन इट, क्योंकि इंटीग्रेटेड आयरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड आता है। बट अगर आप क्रिएटिव हो, आर्टिस्ट वगैरह, डिजिटल पेंटिंग वगैरह आपको करना है, तो इन द बॉक्स आपको ये स्टाइलस मिलता है एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल especially for artists। Yeah, दोस्तों यही है Dell Inspiron 14 2-in-1। जैसे मैंने बताया price के हिसाब से it offers you quite a lot। मैंने एक दो चीजें बताई, display में थोड़ा ज्यादा bright होता है ठीक होता, but other than that everything looks good। मतलब connectivity के बारे में बात करूँ, ports and buttons के बारे में बात करूँ, या फिर इसका जो feel है उसके बारे में बात करूँ, everything is to the point and at a good price point। वैसे कैसे लगा दोस्तों, जिनको भी 2-in-1 लैपटॉप लेने, प्लीज ये जो वीडियो है फॉरवर्ड कीजिए, उनका फायदा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे ट्यून्ड।